गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन. ओके, लेट्स स्टार्ट आवर स्टडी. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट चैप्टर 4 ऑफ साइंस, दैट इज लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. फ्रॉम फ्यू डेज वी आर डूइंग दिस चैप्टर, मीन्स चैप्टर नंबर 4, एंड इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स. द फर्स्ट फीचर इज लिविंग थिंग्स ग्रो, सेकेंड वन लिविंग थिंग्स ब्रीथ, एंड थर्ड इज लिविंग थिंग्स नीड फूड. मीन्स फर्स्ट फीचर में हमने क्या पढ़ा था कि जो लिविंग थिंग्स होती है वो टाइम के साथ क्या करती हैं, बढ़ती हैं, ग्रो होती है, उनका साइज इंक्रीज होता है. लिविंग थिंग्स ब्रीथ, कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो क्या करती हैं, सांस लेती हैं. एंड नीड फूड, उन्हें जिंदा रहने के लिए खाने की ज़रूरत होती है. नेक्स्ट फीचर इज लिविंग थिंग्स कैन फील, कि लिविंग थिंग्स हमारे आसपास जो चेंजेस हो रहे हैं उन्हें फील, महसूस कर सकती हैं कि कोई चीज़ ठंडी है, गर्म है, स्मूथ है, उनको हम फील कर सकते हैं. एंड लिविंग थिंग्स मूव ऑन देयर ओन, और जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो अपने आप से एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकती हैं. तो ये फीचर्स हम अपने पिछले लेक्चर में रीड कर चुके हैं. टुडे वी स्टार्ट विद लिविंग थिंग्स गिव बर्थ टू यंग वंस, कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो क्या करती हैं, बर्थ, जन्म देती हैं यंग वंस को. फॉर एग्ज़ाम्पल बेटा, जैसे कि एक कैट होती है, कैट जन्म देती है किटन को. जो किटन होता है वो क्या है, कैट का जो छोटा बेबी होता है उसे हम क्या बोलते हैं, किटन. तो कैट किसको जन्म देगी, ऐसे बेबी को जन्म देगी जो उसके जैसा दिखाई देता होगा. ऐसे ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, ह्यूमन बींग्स का जो बेबी होगा वो ह्यूमन बींग्स की तरह ही होगा. काउ, बफेलो, इनके जो बेबी होंगे वो इन्हीं की तरह होंगे. तो जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो क्या करती हैं, जो अपने जैसे बेबीज़ को जन्म देती हैं. सो ए ह्यूमन बींग गिव बर्थ टू ए बेबी एंड ए काउ गिव बर्थ टू ए काल्फ. तो जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, जो इंसान होते हैं, वो क्या है, इंसानों जैसे बच्चे जन्म देते हैं उन्हें. एंड काउ गिव बर्थ टू काल्फ, जो काउ का जो बेबी होता है उसे हम क्या बोलते हैं, काल्फ, मीन्स बछड़ा. ए बर्ड ले एग्स, जो बर्ड होते हैं वो क्या करते हैं, अंडे देते हैं. एंड ए बेबी बर्ड हैच फ्रॉम देम, और उन्हीं एग से क्या होता है, उन्हीं के जैसा एक छोटा सा बेबी एग से निकलता है जो बड़ा होके बिल्कुल उसी बर्ड की तरह दिखाई देगा. ए सीड प्रोड्यूस ए न्यू सीडलिंग, अब जो सीड बीज होता है उसमें से भी क्या होता है, वैसा ही प्लांट ग्रो होता है जैसा वो मदर प्लांट है. ओके, जैसे मैंगो का प्लांट होता है उसकी सीड से क्या होगा, नया मैंगो का ही प्लांट ग्रो होगा. All living things have a fixed timeline during which they grow. तो क्या है, सभी living things का एक टाइम होता है जिस पीरियड में वो ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, और बर्थ टू यंग वंस, बेबी को जन्म देते हैं, बूढ़े होते हैं, और उनके बाद उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है. तो ये सभी कार्य करने का उनका एक फिक्स टाइम होता है, उसी टाइम पे उनका ये ग्रोथ होना, डाई होना, ओल्ड होना, ये सब कुछ उसी टाइम पीरियड में होता है. ओके बेटा, तो लिविंग थिंग्स की एक नई फीचर क्या है, कि लिविंग थिंग्स बर्थ गिव बर्थ टू यंग वंस. सो हमारी जो फीचर्स हैं लिविंग थिंग्स की वो कंप्लीट हो गई हैं. अब हम पढ़ेंगे नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में. सो नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी होती है बेटा, लिविंग थिंग्स के बिल्कुल जो अपोजिट चीज़ होगी वो क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स. जैसे कि लिविंग थिंग्स ग्रो, लिविंग थिंग्स बढ़ती हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स दे कैन नॉट ग्रो. लिविंग थिंग्स को सांस लेने की ज़रूरत होती है, नॉन लिविंग थिंग्स को सांस लेने की ज़रूरत नहीं होती. ना ही नॉन लिविंग थिंग्स किसी चीज़ को फील कर सकती हैं, महसूस कर सकती हैं. सो जो फीचर्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो लिविंग थिंग्स के बिल्कुल ओपोजिट हैं. ऑल मैन मेड थिंग्स, जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास है जो इंसान ने खुद बनाई है, वो सारी क्या हैं, नॉन लिविंग. जैसे कि टेबल, चेयर, टॉय, पेंसिल, ये सारी चीज़ क्या है, नॉन लिविंग है. मीन्स ना ही तो ये ग्रो करती हैं, ना ही ये सांस लेती हैं, और ना ही इन्हें जिंदा रहने के लिए खाने की ज़रूरत होती है. सो नॉन लिविंग थिंग्स की फीचर क्या होती है, दे कैन नॉट ग्रो, वो बढ़ नहीं सकते. दे कैन नॉट ब्रीथ, सांस नहीं ले सकते. दे कैन नॉट फील, अगर आसपास कोई चेंजेस हो रहे हैं, सर्दी है, गर्मी है, वो महसूस नहीं कर सकते. दे डू नॉट नीड फूड, उन्हें खाने की ज़रूरत नहीं होती. दे डू नॉट गिव बर्थ टू यंग वंस, ना ही वो यंग वंस को जन्म देते हैं. दे डू नॉट मूव ऑन देयर ओन, और ना ही वो अपने आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा, हमारे घर में क्या होता है, टेबल, चेयर होती हैं, जब तक हम उन्हें उठा के दूसरी जगह नहीं रखेंगे वो अपने आप से चलकर नहीं जा सकते. तो ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स की फीचर्स. ओके बेटा, तो आपकी बुक में क्या है, इसके बाद एक पिक्चर दे रखी है, वो पिक्चर देख के आपको बताना है कि कौन सी लिविंग थिंग्स हैं, कौन सी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उनके ऊपर लिखना है. अगर लिविंग थिंग्स है तो आप L लिखोगे, नॉन लिविंग थिंग्स है तो N लिखना है.
ओके बेटा। एट लास्ट लिविंग थिंग्स नीड फूड, वाटर एंड सनलाइट। जैसा कि हमें पता ही है कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं उन्हें खाने की, पानी की, सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है। तो इन चीज़ों की ज़रूरत उन्हें क्यों होती है? बिकॉज लिविंग थिंग्स ब्रीथ। अब एयर की ज़रूरत क्यों होगी? क्योंकि वो सांस लेते हैं। अगर एयर नहीं होगी तो वो सांस नहीं ले पाएंगे। ऑल लिविंग थिंग्स ड्रिंक वाटर। जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं, मैंने बताया था कि उन्हें खाने और पानी की ज़रूरत होती है, इसलिए उनके क्या होगा, खाने और पानी की ज़रूरत पड़ेगी। प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सोयल विद द हेल्प ऑफ द रूट्स। अब जो सोयल में जो वाटर प्रेजेंट होता है प्लांट्स में, वो कैसे जाता है, उनके रूट्स के थ्रू, उनकी जड़ के थ्रू। और प्लांट्स को जब वाटर मिल जाता है उसी के बाद वो क्या करते हैं, अपना खाना या जो खाने बनाने की जो प्रोसेस होती है, जो सनलाइट और एयर की हेल्प से वो करते हैं, वो अपनी प्रोसेस पूरी करेंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट यही है, प्लांट्स नीड सनलाइट टू प्रिपेयर देयर फूड। कि प्लांट्स को सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है अपना खाना बनाने के लिए, और वही खाना फिर क्या करेंगे, हम प्लांट से लेते हैं। तो अगर सनलाइट नहीं होगी तो प्लांट्स खाना नहीं बना पाएंगे, और अगर प्लांट्स खाना नहीं बना पाए तो हमें खाना नहीं मिलेगा। प्लांट्स नीड सोयल टू ग्रो। और प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, उगने के लिए सोयल, मिट्टी की ज़रूरत होती है, इसलिए मिट्टी होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर मिट्टी नहीं होगी या मिट्टी फर्टाइल नहीं होगी, मीन्स उपजाऊ नहीं होगी, तो प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे। और अगर प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे तो खाना नहीं बनाएंगे, और अगर खाना नहीं बनाएंगे तो हम खाना कहाँ से लेंगे, क्योंकि हम खाना कहाँ से लेते हैं, प्लांट से। ओके बेटा, तो आपको अच्छे से चैप्टर रीड करना है, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझसे पूछना है। आज आपका चैप्टर 4 रीडिंग कंप्लीट हो गई है। हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ़ यू।